और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा, तो वहीं कप्तान विराट कोहली मात्र 20 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। दोस्तों, अगर आपको भी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल भारतीय टीम की फील्डिंग के दौरान मैदान पर जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें, काफ़ी लंबे समय से विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अनबन की खबरें आ रही है, जिसके बारे में खुद कप्तान विराट कोहली सफाई भी दे चुके हैं। लेकिन पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मैदान पर जो कुछ हुआ उसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आपको बता दें, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की शतकीय पारियों की बदौलत 502 रन बनाकर पारी घोषित कर दिया। इसके बाद अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम मात्र 63 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी की। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत के मुकाबले दक्षिण अफ्रीकी टीम मात्र 117 रन पीछे रह गई। अपने गेंदबाजों की पिटाई से परेशान कप्तान विराट कोहली मिस फील्डिंग होने के बाद रोहित शर्मा पर भड़क उठे। रोहित और विराट के बीच काफ़ी बहसबाजी हुई। मामला इतना बिगड़ गया कि हाथापाई की नौबत आ चुकी थी। हालांकि टीम के बाकी खिलाड़ियों ने किसी तरह दोनों को शांत कराया। पूरा वाकया देख कोच रवि शास्त्री भी हैरान रह गए, यहां तक कि कुछ देर के लिए मैच भी रुका रहा। दरअसल इस मैच में विराट कोहली के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पहले बल्लेबाजी में नाकाम रहे, अब गेंदबाजों ने जमकर रन लुटा दिए। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार पारी की शुरुआत करते हुए शानदार शतक जड़ा।